उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में मंगलवार को पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने लूटी हुई चेन और मोबाइल बरामद किए हैं। ये लोग बड़े ही शातिराना अंदाज में लूट किया करते थे। ज्यादातर उन लोगों को ये निशाना बनाया करते थे जो अकेले होते थे। साहिबाबाद सीओ आलोक दुबे ने बताया कि आज साहिबाबाद थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इन्होंने हाल ही में वारदात को अंजाम दिया था। पकड़े गए लुटेरों में विनय काली नाम का एक हिस्ट्री शीटर बदमाश है, जिस पर करीब 16 मुकदमे दर्ज हैं। ये लोग नशे करने के लिए लूट की वारदात को अंजाम दिया करते थे। थाना साहिबाबाद क्षेत्र में कल रात को शालीमार गार्डन से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ये गाजियाबाद और दिल्ली क्षेत्र में लूट किया करते थे। ये मेनली चेन लूट और मोबाइल फ़ोन की लूट की घटना को अंजाम दिया करते थे। इन दोनों ही अभियुक्तों के नाम एक समान हैं, जो कि विनय हैं। इनमें से एक अभियुक्त है विनय और काली, वो हमारे क्षेत्र का HSD है। इसके ऊपर लगभग 16 मुकदमे दर्ज हैं, जबकि दूसरे अभियुक्त के ऊपर 3 मुकदमे दर्ज हैं। इन अभियुक्तों के पास से हमें 3 पीली धातु की चेनें, 2 मोबाइल फ़ोन और 1 मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। हम लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए किन लोगों को चिन्हित किया करते थे और उसके बाद लूट के सामान का क्या किया करते थे? ये लोग किसी भी व्यक्ति को जो कि अकेला जा रहा हो या जो कि इनकी पकड़ में आ सके, ऐसे ही व्यक्ति को निशाना बनाते थे और लूट के पैसों से ये कुछ नशा करते थे, स्मैक आदि पीते थे तथा कुछ पैसों को अपने ऐशो आराम पर खर्च किया करते थे। फिलहाल पुलिस ने दोनों लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से मोबाइल, चेन, बाइक और नशीला पाउडर बरामद किया है।